फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग आगे देखेंगे, अगर वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य निगेटिव है तो कैसे उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। स्ट्रक्चर इसका हम अभी बनाते हैं, आप चेक करेंगे। प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस, फिर विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन, फिर यानी थर्ड फॉर्म में बाय प्लस प्रोनाउन का दूसरा आर्टिकल। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर तैयार फ्यूचर परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। कैसे बनाएंगे? ऑब्जेक्ट हम पहले लेंगे जो मुख्य क्रिया के बाद आएगी, और जो प्रोनाउन होगा का नॉमिनेटिव केस, अगर ना होगा तो उसी तरीके से। फिर ऑब्जेक्ट रखने के बाद देखेंगे, ऑब्जेक्ट अगर आई और वी आता है तब तो हम सहायक क्रिया सेल का प्रयोग करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट आई और वी के अलावा कोई नाउन है प्रोनाउन आएगा तो विल का प्रयोग करेंगे। निगेटिव सेंटेंस होने पर नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर हैव का प्रयोग करेंगे, बीन का प्रयोग कर देंगे, क्रिया थर्ड फॉर्म में रहती है इसमें उसको उसी तरीके से रख देंगे, बाय का प्रयोग करके सब्जेक्ट रख देंगे, प्रोनाउन होगा उसका ऑब्जेक्ट के नाउन उसी तरीके से। जैसे श्याम विल नॉट हैव कंप्लीटेड द वर्क, श्याम विल नॉट हैव कंप्लीटेड द वर्क। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, ऑब्जेक्ट आपका द वर्क, उसको उसी तरीके से रखेंगे द वर्क। अब ये नाउन है तो हम विल का प्रयोग कर देंगे, निगेटिव सेंटेंस से एक नॉट लगा देंगे, द वर्क विल नॉट। फिर हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव के बाद हम बीन लगा देंगे, क्रिया थर्ड फॉर्म है उसको उसी तरीके से रखेंगे, हैव नॉट बीन कम्प्लीटेड। ठीक है, छिलम लाइट का प्रयोग कर देंगे, सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, श्याम बाई श्याम। ठीक, इस तरीके से जाएगा, द वर्क विल नॉट हैव बीन कम्प्लीटेड बाई श्याम। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आई शैल नॉट हैव डन योर वर्क, आई शैल नॉट हैव डन योर वर्क। ऑब्जेक्ट क्या है, योर वर्क, वर्क आपका नाउन है तो आप किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे, विल नॉट हो जाएगा, हैव की बात विल लगा देंगे, विल नॉट हैव बीन, क्रिया थर्ड फॉर्म में है, डन का प्रयोग करके फिर बाय का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट क्या है, आई। ठीक, तो अब इसका हम ऑब्जेक्ट किस देंगे, प्रोनाउन है तो मिल जाएगा, योर वर्क विल नॉट हैव बीन डन बाय मी। नेक्स्ट एग्जांपल, सी विल नॉट हैव वॉश्ड हर क्लास, सी विल नॉट हैव वॉश्ड हर क्लास, मतलब वह अपने कपड़े नहीं धो चुकी होगी। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, हर क्लास है, हर क्लास, विल का प्रयोग हो जाएगा इसके साथ, विल नॉट हैव का प्रयोग कर देंगे, फिर हम विल लगा देंगे, क्रिया आ जाएगी थर्ड फॉर्म में, वास्ट का प्रयोग करके बाय लगा देंगे। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, सी, इसका ऑब्जेक्टिव किस क्या हो जाएगा, हर, तो जाएगा हर क्लास विल नॉट हैव बीन वॉश्ड बाय, हम लेते हैं बी शैल नॉट हैव हेल्प्ड यू, वी शैल नॉट हैव हेल्प्ड यू। ऑब्जेक्ट क्या होगी, यू है, इसका नॉमिनेटिव केस लेंगे, यू हो गया। ठीक, अब फिर इसके साथ हम विल का प्रयोग कर देंगे, फिर नॉट लगा देंगे, हैव हो जाएगा, यू विल नॉट हैव, फिर क्या जोड़ देंगे, बीन, फिर हम बाय का प्रयोग करेंगे, बीन के बाद हम क्रिया थर्ड फॉर्म रखेंगे, हेल्प हो जाएगा, यू विल नॉट हैव बीन हेल्प्ड, फिर बाय रखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, वी, इसका ऑब्जेक्टिव केस अस, तो
हो जाएगा यू विल नॉट हैव बीन हेल्प्ड बाय अस। दूसरा एग्जांपल द टीचर विल नॉट हैव टॉट अस टुडे। द टीचर विल नॉट हैव टॉट अस टुडे। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। ऑब्जेक्ट में सामूहिक क्रिया की बात आती है। ऑब्जेक्ट आपका है, प्रोनाउन है, इसका प्रयोग करेंगे वी, इसका नाम एडिकेस देंगे। तो आई एम वी के साथ सैल वी सैल, फिर हम नॉट का प्रयोग कर देंगे हैव, वी सैल नॉट हैव बीन। ठीक, क्रिया जाएगी थर्ड फॉर्म में जो कि पहले से है, टॉट का प्रयोग कर देंगे। टुडे चाहे तो हम एक लगा सकते हैं या वर्ब भी लगा सकते हैं। वी शैल हैव नॉट बीन, वी शैल नॉट हैव बीन टॉट टुडे बाय, सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट आपका द टीचर, उसी तरीके से रखेंगे बाय द टीचर। ठीक, दूसरा एग्जांपल आई शैल नॉट हैव वर्कड टुडे, आई शैल नॉट हैव वर्कड टुडे। मैं आज कार्य नहीं कर चुका हूँगा, क्या नहीं कर चुका हूँ कार्य, इसी में ऑब्जेक्ट छिपा हुआ है ना, जब इसी में ऑब्जेक्ट छिपा हुआ है तो इसको नाउन बना लेंगे तो वर्क हो जाएगा, ये नाउन हो गया। तो विल का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, विल नॉट वर्क विल नॉट, फिर हम क्या लगा देंगे है, फिर क्या जोड़ देंगे बीन, वर्क विल नॉट है बीन। फिर जब इसको आपने नाउन चेंज कर दिया तो करने के लिए हमारे साथ में डू होगा, तो डू का थर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा डन। फिर टुडे आई का एप्लीकेशन में क्या होगा मी हो जाएगा, वर्क विल नॉट हैव बीन डन टुडे बाई मी। ठीक है, अब लोग देखेंगे कि अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस को आप इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक है तो कैसे इसको हम पैसिव में चेंज करते हैं। स्ट्रक्चर इसका बना लेते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड्स प्लस विल सेल प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा कनामेटिक केस प्लस है प्लस बीन प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्रोनाउन का दूसरा ऑब्जेक्ट की संधि में किस संधि। ठीक, ये आपका स्ट्रक्चर तैयार हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव। बाकी जब प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होगा तो हम प्रश्नवाचक शब्द को पहले रखेंगे, फिर क्या करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल का प्रयोग कर देंगे। ऑब्जेक्ट अगर नाउन या प्रोनाउन आएगा आई और बी के अलावा तो विल का प्रयोग, अगर आई और बी आता है तो शैल, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे हैव का प्रयोग करके बीन जोड़ देंगे। यहाँ पे क्रिया थर्ड फॉर्म में रहती है उसको उसी तरीके से रखेंगे और बाई का प्रयोग करके सब्जेक्ट रखेंगे, प्रोनाउन होगा तो उसका हम ऑब्जेक्ट की केस देंगे। अंत में क्वेश्चन मार्क, जैसे वाई विल ही हैव डिस्टर्ब्ड मी, वाई विल ही हैव डिस्टर्ब्ड मी, वह मुझे क्यों परेशान कर चुका होगा। बाकी डब्ल्यू छोर से शुरू है, वाई का प्रयोग कर देंगे, सीधे जाएंगे ऑब्जेक्ट पास, ऑब्जेक्ट क्या हम ही प्रोनाउन है तो किसका प्रयोग करेंगे सेल का, क्योंकि आई और बी के साथ सेल हो जाएगा सेल, फिर हम ऑब्जेक्ट चूंकि प्रोनाउन है इसका नाम एडिकेशन देंगे तो आई हो जाएगा, फिर हम हैव का प्रयोग कर देंगे हैव बीन, क्रिया आ जाएगी थर्ड फॉर्म में जो कि पहले से है, डिस्टर्ब का प्रयोग कर देंगे, फिर हम बाय का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट क्या है ही, इसका ऑब्जेक्ट केस हिम, अंत में क्वेश्चन मार्क Why said I have been disturbed by him? दूसरा Who will have done my work? Who will have done my work? मेरा काम कौन कर चुका होगा। पहले ही मैंने बताया था कि अगर बात who से शुरू होगा तो by हम का प्रयोग पहले करते हैं। By whom?
का प्रयोग करने के बाद सीधे जाएंगे ऑब्जेक्ट पास। माई वर्क है, वर्क नाउन है, तो किसका प्रयोग करेंगे? विल का। विल माई वर्क, माई हूँ, विल माई वर्क। फिर किसका प्रयोग हो जाएगा? हैव का प्रयोग करके क्रिया बीन का प्रयोग कर देंगे और क्रिया थर्ड फॉर्म में आ जाएगी, डन की पहले से है। जैसे इसका मीनिंग हो गया हु विल हैव डन माई वर्क, मेरा काम कौन कर चुका होगा। By whom will my work have been done? किसके द्वारा मेरा कार्य किया जा चुका होगा। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। Men will he have returned my book? When will he have returned my book? वह मेरी पुस्तक कब लौटा चुका होगा। बाकी वाक्य से शुरू है, विल का प्रयोग कर देंगे। ऑब्जेक्ट है आपका माई वर्क, विल का प्रयोग हो जाएगा, विल माई वर्क, हैव का प्रयोग कर देंगे, फिर हम विल लगा देंगे। क्रिया यहाँ पे रिटर्न है जो कि थर्ड फॉर्म है, उसको उसी तरीके से रखेंगे, रिटर्न हो जाएगा। फिर बाय का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट है ही, इसका ऑब्जेक्ट इज हिम हो जाएगा। When will my work have been returned by him? दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। Why will mother not have cooked the food? Why will mother not have cooked the food? माँ भोजन क्यों नहीं बना चुकी होगी। हम लोग क्या देख रहे हैं, वाक्य निगेटिव के साथ साथ क्या है, इंटरगेटिव है, इंटरगेटिव प्लस निगेटिव, तो सारा प्रोसेस उसी तरीके से रहेगा। केवल हम करेंगे क्या, पहले डब्ल्यू जो शुरू है उसका प्रयोग कर देंगे, वाई ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, फूड है ऑब्जेक्ट आपका, तो नाउन है इसीलिए विल का प्रयोग कर देंगे, फिर देंगे ऑब्जेक्ट को वाई विल द फूड, फिर हम नॉट का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम हैव का प्रयोग करके बीन लगा देंगे, क्रिया थर्ड फॉर्म है ही तो हो जाएगा, by mother, इस तरीके से why will the food not have been cooked by mother। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल, how will you have solved this question? How will you have solved this question? Means तुम यह प्रश्न कैसे हल कर चुकी होगी। तो सबसे पहले हम प्रश्नवाचक रूप की बात करेंगे, हाउ का प्रयोग हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है आपका दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका नाउन, इस तरीके से हम किसका प्रयोग करेंगे, विल, ऑब्जेक्ट हम रख देंगे दिस क्वेश्चन। ठीक, अब हैव का प्रयोग करके बीन लगा देंगे यहाँ पे, हैव बीन, क्रिया थर्ड फॉर्म है ही, सारण का उपयोग कर देंगे, बाई सब्जेक्ट क्या है, यू, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, नॉमिनेटिव केस भी ये होता है, तो हाउ विल दिस क्वेश्चन हैव बीन सॉल्वड बाई यू। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल, विल ही हैव टेकन आवर क्लास टुडे, विल ही हैव टेकन आवर क्लास टुडे। अब वाक्य विल से शुरू हुआ, सहायक क्रिया से शुरू हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सीधे ऑब्जेक्ट पास जाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, आवर क्लास। ठीक है, और उसी के अनुसार हम सहायक क्रिया का प्रयोग कर देंगे, क्लास नाउन है, इस तरीके से विल का प्रयोग होगा ही, विल, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे आवर क्लास, फिर हम हैव का प्रयोग कर देंगे, फिर हम बी लगाकर क्रिया थर्ड फॉर्म रखेंगे, टेकन, टुडे पहले भी रख सकते हैं, बाद में रख सकते हैं, टुडे, फिर हम वाई का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट क्या है, ही, इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम, तो जाएगा विल आवर क्लास हैव बीन टेकन टुडे बाई हिम, क्या हम लोग क्लास उनके द्वारा लिया जा चुका होगा। ठीक है, ये आपका है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंटरगेटिव सेंटेंस। इंटरगेटिव के साथ आपने निगेटिव देखा, इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे, कर रहा हूँ। अगर वाक्य इंपरेटिव है, इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है उसको हम बताएंगे,
अगर आपकी इंपरेटिव है तो कैसे उसको हम पैसिव में चेंज करेंगे। इसे आप लोग अपनी कॉपी अपलोड करेंगे। ओके, थैंक यू।